नमस्कार, आप सभी का इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स वाई सावित्री में स्वागत है। आज हम बनाएंगे चना की दाल है, इससे बढ़ई। हमारे इधर बढ़ई बोलते हैं, आपके इधर क्या पराठा बोलते हैं आपके यहाँ? तो इससे हम बनाएंगे बढ़ई। तो मैंने ये दाल रात भर, पूरी रात के लिए, सर्दियों का मौसम है तो ये रात में डाल दी थी। 8 से 10 घंटे में ये देखी फूल गई है, कितनी नरम हो गई है। यदि गर्मियाँ हैं तो 3 से 4 घंटे में ये फूल जाएगी। और इसका पानी भी निकाल दिया है। इसमें मैंने डालने के लिए 6 से 7 हरी मिर्ची और ये अदरक काट दिए है, और ये 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, इनको भी मैंने काट लिया है। और ये सूखे मसाले हैं जो इसमें डालेंगे, ये सौंफ है 1 चम्मच, आधी चम्मच जीरा, हरी इलायची 2 से 3, बड़ी इलायची 2, लौंग 8, और काली मिर्च 8 से 10, और जी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये नमक, स्वाद अनुसार नमक। तो अब इनको हम, जो भी मसाले हैं इनको हम सब पीस लेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे का आपको और दिखाते हैं। ये कुकर रख दिया है, अब इसमें हम डालेंगे तेल। हम तो इसको सरसों के तेल से इसमें छौंका लगाएंगे। 2 चम्मच तेल डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हींग। ये मैंने हींग डाल दी है, और अजवाइन और जीरा ही क्रश करके डाल दिया है। जो मसाला मैंने वो दिखाया था वही मैंने ही पीस लिया, उसको भी डाल देंगे। हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, जीरा, हींग, नमक, लहसुन, इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सब कुछ है इसमें, वो मैंने इसमें डाल दिया है। जाल को थोड़ा धुल के डाल देंगे। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डालें, आप जैसा खाते हो वैसा नमक मिर्च डालें। अब इस मसाले को हम थोड़ा पकने देंगे, क्योंकि उससे बन नहीं रहा था इसलिए मुझे बदलने पर ही मसाला हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे दाल, जो मैंने भिगो के रखी थी, उसको साफ पानी से धुल लिया है। इसको हम दाल डाल देंगे। आप अपने अनुसार, आपके यहाँ जैसे कम ज़्यादा लोग हों उसी हिसाब से आप बनाएं, लेकिन आप वीडियो जरूर थोड़ा देखिए। इसको हम ऐसे ही मिला देंगे। 1 कप भी पूरा नहीं भरा है, 3-4 चम्मच खाली है, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी बच भी गया है देखिए, 2 चम्मच पानी। इसको हम बंद कर देते हैं, गैस की आंच को आप स्लो रखें। लीजिए, अभी 3 से 4 सीटी में जब ये बन जाएगी उसके बाद हम फिर दोबारा से दिखाएंगे आपको। कुकर में सीटी आ रही है, वो बनेगी, निकलेगी सीटी, तब तक हम ये इसका आटा लगा लेते हैं। तो ये नमक लिया है थोड़ा सा, और इसमें मोहन, मोहन बहुत ज़रूरी है डालना, मोहन इसमें ज़्यादा डाला जाता है। मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है, देखिए मोहन इसमें परफेक्ट होना चाहिए, तभी ये अच्छी बनेंगी। और इसे दोनों हाथों से ऐसे करना चाहिए देखिए, ताकि इसमें तेल जो डाला है, मोहन तेल डाला है, आप चाहें तो इसमें घी गरम करके डाल सकते हैं, पर मैंने तेल डाला है, वो भी सरसों का मेरे पास बना हुआ रखा था। देखिए पूरा मिक्स हो गया है बढ़िया अच्छे से, और इसका ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे बन जाए मुट्ठी, तो समझो आप, समझो ये परफेक्ट रेशो है, देखिए बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए इसमें, तभी तो वो नरम बनती हैं, मुलायम बनती हैं। और इसे हम गीला लगाएंगे, पूड़ी या रोटी जैसा नहीं, उससे थोड़ा गीला, क्योंकि भरना है ना चने की दाल इसमें, इसलिए इसको हम गीला लगाएंगे कुछ। ये आटा, इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से तेल लगा देंगे, और सेट होने के लिए इसको रख देंगे ढक के। अब इसको ढक दिया है,
ये सेट हो जाएगा 5-7 मिनट में। तब तक कुकर देखिए, कुकर खोल लिया, कितनी अच्छी बन गई है देखिए। दाल भी हो गई है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। आप ऐसे इतनी मुलायम है कि वो तो ऐसे ही मैश हो जाएगी देखिए। और आपसे ऐसे न बने तो आप कोई ऐसा गिलास ले सकते हैं, और ऐसे नहीं कटोरी लेंगे तो हाथ में गर्म लगेगी दाल, और गिलास से आप ऐसे मैश कर सकते हैं देखिए। खाली कर लिया है ये, बिल्कुल दाल इसमें मिल गई है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया, हरी धनिया तो ज़्यादा ही इसमें बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, खुशबू आती है। लीजिए, मेरी आदत है हाथ से ज़्यादा काम करने की, इसलिए मैं चम्मच के बजाय हाथ से ज़्यादा मिलाती हूँ, और हाथ से अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। इसे हाथों की ही ज़रूरत है, क्योंकि प्यार से ही मिक्स होता है। लीजिए, आपके घर में मेहमान आए आप ये बना दीजिए, इसके साथ मीठी चटनी, हरी चटनी या हलवा जो भी बनता है वो आप बना दीजिए। मेहमान भूल जाएंगे पनीर खाना, बोलेंगे मुझे यही खाना है। तो अब चलते हैं हम गैस की ओर। देखिए ये हो गया है बढ़िया, देखिए अब इसको हम तेल लगा के थोड़ा और मल लेते हैं। अब इसकी बनाएंगे हम लोइयाँ, छोटी बड़ी अब अपने हिसाब से बनाएं। देखिए मैंने 2 लोइयाँ बना ली हैं, अब इसको खिसका के लाते हैं दवाई। इसे हम बेल लेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें दाल भरेंगे। आप जितनी पसंद कर रहे हैं कम ज़्यादा भर सकते हैं। देखिए अब ये निकलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटेगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है, आटा है, गेहूं के आटा से बना रहे हैं। सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, ये गेहूं का आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। इसमें मैंने ना मैदा ना रवा कुछ भी नहीं मिलाया, ये शुद्ध गेहूं का आटा है, क्योंकि रोज़ रोज़ ये मैदा खाने से प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब इसको हम चलते, अब ये हम तवा में ये डालते, ये सिक रही है, तब तक हम दूसरी और भर लेंगे। देखिए ऐसे अंगूठा से ऐसे आराम से दाल नीचे चली जाएगी, और लीजिए हो गया, इसको ऐसे दबा दो आप। देखिए इसको पलट दिया, आराम से पलट गई है, बिल्कुल भी टूटी नहीं। अब दूसरी इसको भी बेल लेते, आटा लगा के सूखा आटा परथन, उससे ही बेल जाएंगे। बच्चे तो ऐसे खाएंगे मांग मांग के, मिर्ची कम ज़्यादा बच्चों के हिसाब से डालें आप। देखिए मैंने दूसरी भी बेल ली है, इस साइड से भी सिक गई है। देखिए अब इसमें हम लगा देंगे तेल, आप चाहें तो इसमें घी या बटर जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, मैंने तो इसमें तेल लगाया है। लीजिए हो गई बढ़िया, मेहमान भी खुश, आप भी खुश, मेहनत भी कम, सीख गई साइड से। देखिए दोनों साइड से सिकी हो गई, इसको निकाल ली। लीजिए ये हो गई है तैयार, इसको और सेक के अभी आपको हम दिखा, सिकी बढ़िया, इसमें निशान भी आ गए हैं ये सब चित्तीदार।
कोई मेहनत नहीं है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ 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 लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों को रिश्तेदारों को। मैं आपको कितनी मेहनत से ये वीडियो बना बना के दिखाती हूँ ताकि आपके घर में रोज़ नई नई अच्छी अच्छी डिश बन सके। आप इतना तो कर ही सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में, ऑफिस के लंच बॉक्स में, या सुबह नाश्ते में, चाय के समय कभी भी ले सकते हैं, रात में, डिनर में, जब आपकी मर्जी हो तब आप इनको बना दीजिए फटाफट और खा लीजिए। सभी खुश हो जाएंगे, मेहमान तो इतने खुश होंगे, आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। प्लीज़ कमेंट करें आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। देखिए सिक गए हैं, इसको भी हम उठा लेते हैं, गैस के फ्लेम को करते हैं बंद। देखिए प्लीज ये खाने के लिए तैयार है। आप अपने फैमिली के साथ खाएं, एंजॉय करें। प्लीज लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर ये हरी नमकीन चटनी के साथ। प्लीज ज़रूर। थैंक यू।